हाय फ्रेंड्स, आई एम आईपाल चौधरी। आई एम गोइंग टू से हाउ मेक प्रोफाइल डोर। लेट गो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर्ड टूल्स की, तो यहाँ पे इतने सारे ये रिक्वायर्ड टूल दिखाए गए हैं। कटर मशीन, ड्रिल मशीन, फाइल्स, बिट्स, फिश कनेक्टर, मेजर टेप और कटर मशीन की जो पुरानी ब्लेड है इसको पहले निकाल लेते हैं। और एल्यूमिनियम हमेशा भी नई वाली ब्लेड से ही काटेंगे अपन। और कटर मशीन की ब्लेड निकालते समय इलेक्ट्रिक वायर को अनप्लग कर दे, ये नई वाली ओरिजिनल ब्लेड है, क्योंकि पुरानी ब्लेड से कटर मशीन में जब डाल के चलाते हैं तो छर्रे भी ज़्यादा उछलते हैं और एल्यूमिनियम गर्म होकर उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है। और ये 30 दांत ब्लेड है, ब्लेड को कटर मशीन में फिट कर देते हैं। और ये जो प्रोफाइल डोर हम बना रहे हैं इसके लिए हाथ से हमने एक मोल्ड बनाया है 45 डिग्री का, क्योंकि जो हर मिस्त्री के लिए ये पॉसिबल नहीं रहता है कि बड़ी वाली वो एल्यूमिनियम कटर लाए। एल्यूमिनियम कटर को एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाना बहुत ही हार्ड काम रहता है, क्योंकि वो वज़न में बहुत ही भारी भरकम रहती है। और ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से 45 डिग्री का बनाया हुआ मोल्ड है। इसमें अपन हैंडल पाइप को डाल दिया है और ऐसे इसका माइटर काट लिया जाता है। जब आपका मोल्ड एकदम सही से बना हुआ है तो आपके एक कातरे में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपका जो ये पाइप है वो एकदम सही से 45 डिग्री का कट जाएगा। और कटर मशीन की ब्लेड का नया होना ज़रूरी है, अगर आप पुरानी ब्लेड से काटेंगे तो ये ठीक से नहीं कटेगा और दाने भी बहुत ज़्यादा उछलते हैं। और एल्यूमिनियम कटिंग का काम करते समय हमेशा ये ख्याल रखें कि आंखों पे चश्मा का लगाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी बार एल्यूमिनियम के जो दाने हैं वो उड़ के आंखों में चले जाते हैं तो अपने को बहुत नुकसान होता है। और एल्यूमिनियम का काम करते समय दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस बात का एक विशेष ध्यान रखें। हो सके तो हाथों में भी ग्लोव्स पहन के रखें, क्योंकि ये देखो मेरे हाथों पे दिख रहे हैं आपको एल्यूमिनियम के दाने। जब कटर मशीन चलती है तो ये दाने एकदम गर्म होकर उछलते, पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ भी लगते हैं तो वहाँ वहाँ पर अपने को वो जलन होती रहती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। हमने इसके ये चारों फ्रेम पाइप काट लिए हैं, एक साइड हैंडल पाइप लगा हुआ है। अब इस माइटर को मिला के देखते हैं और इसका गुनिया चेक करते हैं। बहुत ही ये सरल काम है और मार्केट में एक प्रोफाइल डोर बनाने की जो रेट है वो मिनिमम एल्यूमिनियम वाले जो मिस्त्री रहते हैं वो 500 रुपये लेते हैं, और साइड पे जब बहुत ज़्यादा पल्ले हैं तो बाहर मार्केट में समय पे बना के अपने को मिलते नहीं हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम को पहुंचाना, वापस लाना, इसमें जो कार्टिंग चार्ज है वो भी ज़्यादा आता है। ऐसा करके ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, इसलिए साइड पे सिंपल तरीके से बनाना इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा। ये इसका गुनिया चेक किया जा रहा है, अंदर से एकदम गुनिया में बताया। अगर बाहर के बाहर अपन टेप से गुनिया चेक करते हैं तो भी ये सही गुनिया में बताएगा। अब ये देखिए, एकदम बारीकी से नज़दीकी से आपको दिखा रहे कि ये जो दरवाज़ा बना है वो पूरी तरह गुनिया में है। अब बारी आती है इसमें फिश कनेक्टर लगाने की। तो फिश कनेक्टर लगाने का काम भी बहुत ही इजी है। पाइप को उल्टा कीजिए और फिश कनेक्टर को इसके अंदर डाल लीजिए। फिश कनेक्टर को एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर अंदर डाल के पेन से मार्किंग लगा लीजिए दोनों कोनों पे। फिर इस कनेक्टर को जहाँ जहाँ ये जितना गया है उस हिसाब से इसमें लाइनें खींच के लाइनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। फिर इस कनेक्टर को इसके ऊपर रखिए। इस तरीके से तरीका बहुत ही ईजी है, ये कोई हार्ड काम नहीं है ये प्रोफाइल डोर बनाना। बहुत से मिस्त्री को मैंने देखा है कि ये डोर साइडों पे खुद नहीं बनाते हैं, मार्केट से बनवा के मंगाते हैं, तो उनको ये काफ़ी महंगा जाता है। हमने इसके ऊपर ये पेन से मार्किंग कर लिया है। अब हल्का सा आप पंच कीजिए स्क्रू से, खिल्ले से, या जो आपके पास में पंच है उससे पंच कर लीजिए। इससे ड्रिल मशीन इधर उधर जाएंगी नहीं, एकदम जहाँ आपने स्पॉट बनाया है वहीं पर आपका होल होगा। ये दोनों होल कर लिए हैं, अब इस फिश कनेक्टर को इसके अंदर फिट कर लेते हैं।
दूसरी बात, इसके साथ में जो स्क्रू आते हैं वही स्क्रू इसमें कसे जाते हैं। आप कभी भी वुडन स्क्रू का प्रयोग ना करें। स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेवे। अब बारी आती है फ्रेम का दूसरा पाइप फिट करने की। जैसे एक साइड से आपकी फिस टाइट हो गई है, दूसरे पाइप का माइटर ठीक से मिलाए, अंदर से गुनिया चेक कीजिए। जब ये सही गुनिया में आ जाता है वहाँ पे आप मार्किंग कीजिए। ये इसका सबसे सरल तरीका है। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिए। सावधानी पूर्वक ड्रिल कर लीजिए। अब इस कॉर्नर को मिलाते हैं। ये अंदर बाहर से माइटर एकदम सही आया है और इसके ऊपर टेप से जो ये नंबर चिपकाए हुए हैं तो इसका भी एक विशेष कारण है। जब अपन कास्ट डालेंगे तो इसकी फ्रेम को जब अपन अलग करेंगे तो इधर का पाइप उधर, उधर का पाइप इधर नहीं होने को होना, इसलिए हमने पहले इसके कोनों पे टेप से वो नंबर चिपका लिए हैं। अब इसका देखते हैं माइटर। देखो एकदम शानदार फिनिशिंग। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि हमने बिना एल्यूमिनियम कटर के छोटी वाली हैंड मशीन से पूरे प्रोफाइल डोर को तैयार कर दिया है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए और ये सरल तरीके से आप भी ट्राई कीजिए। बहुत आसान है प्रोफाइल डोर बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।